फ्रेंड्स, हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा डबल बेड का मैंने बहुत समय के बाद में एक वीडियो डाला है, जो कि मैंने आयरिश क्रोशेट से इंस्पायर्ड होकर के डाला है। और इसके लिए मैंने क्रोशिया और मर्सराइज कॉटन का जो थ्रेड होता है वो यूज़ किया है, और ग्लेज कॉटन की चादर हमने यूज़ की है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन दबा करके आगे आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनको सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे मैंने जो कॉटन की चादर ली है, ग्लेज्ड कॉटन की, उसके लिए हमने इस तरह के फ्लावर बनाए हैं। फ्लावर बनाने के बाद हमने उन्हें अटैच कर लिया है पिन से, पूरा एक सर्कल बनाया है। इसमें हमने जो है वो जिगजैग लेस यूज़ की है, इसे सर्कल पूरा बनाया है सेंटर में। और उसके बाद में हमने ये तीन पत्तियों वाला आयरिश क्रोशेट से हेल्प ले करके इसका फ्लावर बनाया है। और उसके बाद इसको हम इस तरह से टांग देते हैं चादर के ऊपर। ये देखिए, इस तरह से हमने येलो कलर का थ्रेड लिया है, और येलो कलर का थ्रेड लेने के बाद में हमने इसको इस तरह से अटैच कर दिया है। ये आप कभी भी अपने चादर को प्लेन करना चाहें तो प्लेन भी कर सकते हैं। इसको आप पीछे से थ्रेड से कट करके फ्लावर्स बाहर निकाल सकते हैं, और जब भी चाहें तो आप प्लेन चादर को भी यूज़ कर सकते हैं, और जब चाहें तो आप इस तरह से अटैच करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। और जो लीफ बनाई है मैंने, वो भी आयरिश क्रोशेट से ही बनाई है। तो इस तरह से हम जो है सुई धागे की मदद से टांग लेते हैं। अगर सही आप सीधे से नहीं लगा सकते तो फ्रेम में थोड़ा सा इसको अटैच करेंगे। फ्रेम में लगाने के बाद में इसको हम सुई धागे की मदद से इस तरह से अटैच कर लेंगे। और इस तरह के हमने जो है चारों कॉर्नर के लिए और सेंटर के लिए इस तरह के फ्लावर बनाए हैं। तो ये मैंने दो कलर में यूज़ किए हैं, येलो कलर और रेड कलर के फ्लावर्स बनाए हैं, और ग्रीन कलर से इसकी लीव्स बनाई हैं। ये देखिए, इस तरह से हम टांगते जाते हैं। हर एक फ्लावर के साथ में मैंने लगभग तीन लीफ अटैच किए हैं। जो लीफ और फ्लावर बनाया है वो भी मैंने YouTube की मदद से ही किसी का देख करके बनाया है, तो इसलिए मैंने उसका वीडियो इसमें नहीं बना करके डाला है। इस तरह से देखिए हम अटैच कर लेते हैं। अब हम ग्रीन लीफ अटैच करने के लिए ग्रीन कलर का धागा यूज़ कर रहे हैं, सुई धागा ले करके, और इसको बहुत ही महीन तरीके से हम जो है बहुत ही महीन महीन सुई में लेकर के अटैच करते जाते हैं। अगर आप इस तरह से पकड़ के नहीं अटैच कर सकते हैं तो फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, फ्रेम में लगा करके आप यूज़ करें। आयरिश क्रोशेट जो कि जिसके कि बहुत ही सुंदर लीफ फ्लावर्स बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस तरह देखिए हम अटैच करते जाएंगे। और पूरी लीफ अटैच करने के बाद ये देखिए इस तरह से अटैच हो जाएगी, तो वो बिल्कुल कहीं से भी नहीं निकलेगी।
इस तरह से हम तीन तरफ से लीफ लगा रहे हैं। उसके बाद हम जो है ये जो पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये रेशम का धागा हमने यूज़ किया है, और इसके लिए हम काज वाली जो कढ़ाई होती है वो यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हमने एक शीशी की मदद से या किसी चीज़ से आप गोल एक सर्कल बना लें अपने बराबर इक्वल डिस्टेंस, जैसा भी डिज़ाइन आप चाहते हैं वैसा डिज़ाइन बना करके, और उसके बाद में हमने इसको काज स्टिच से पूरा बनाया हुआ है। ये सर्कल हम पूरा काज स्टिच से बना रहे हैं। रेशमी धागा यूज़ किया है, इसके हमने पूरे जितने भी 6-7 थ्रेड्स रहते हैं, जितना भी मोटा ये मार्केट में मिलता है उतना मोटा हमने यूज़ किया है इसको। इसमें से कोई भी पतला नहीं किया है, कोई भी धागा निकाला नहीं है हमने। ज़्यादा लंबा धागा लेने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, गांठ पड़ जाती है, लेकिन बीच में ऐड नहीं करना पड़ेगा, उसी से पूरा सर्कल बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से बनाते जाएंगे हम। और ये पूरा सर्कल हम बनाने के बाद में कांच से पूरा जब सर्कल बन जाएगा तब फिर हम इसके ऊपर सेकंड जो लेयर बनाएंगे वो भी इसी तरह से बनाएंगे, काज स्टिच से ही बनाएंगे। इस तरह से ये थोड़ा सा घना बन इसमें आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से जितने भी हमारे ऊपर की ओर बने हुए हैं और जो रेशमी धागा है थोड़ा सा इसको बराबर से खींचते जाना है, नहीं तो थ्रेड जो है वो कहीं छोटा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको बराबर प्रॉपर ध्यान देना है कि इसका जो थ्रेड है वो बराबर से चलते रहें। और ये देखिए इस तरह से हम जो है सेकंड लेयर भी इसकी कंप्लीट कर लेते हैं। सेकेंड लेयर कंप्लीट करने के बाद ये फ्लावर थोड़ा सा घना और थोड़ा और ज़्यादा अच्छा दिखाई देने लगता है। इसमें हमने जिगजैग लेस लेकर के जो पूरी चादर डबल बेड की है इसके चारों ओर पूरा आउटलाइन करी है, और उसके बाद बीच में सर्कल भी हमने जिगजैग लेयर से ही बनाया है। तो नेवी ब्लू कलर की चादर है तो इसमें हमने थोड़ा लाइट ब्लू कलर से बनाया है, आप चाहें तो जो भी कलर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हमने पिलो में भी लगाया है कि पिलो में भी हमने चारों जिगजैग लेयर से आउटिंग की है। देखिए इस तरह से धागा थोड़ा फंस जा रहा है, लेकिन अगर ये थोड़ा रेशमी धागा है स्मूथ चलता है, कभी कहीं कहीं पे थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं दिया तो छोटा बड़ा हो जाता है, तो उसी को हमको प्रॉपर तरीके से देखते रहना है कि कहीं ये फंसे ना। और पूरा होने के बाद में नीचे की ओर थ्रेड ले जा करके इसको एंड करके कट कर देंगे। अब ये देखिए इस तरह से हमने जो है ये फ्लावर अटैच किए हैं। पहले हमने चारों ओर से आउटलाइन बनाई है, ये देखिए पिलो पे हमने इसी तरह से बनाया है, थोड़ा सा सीधा सन्ना खाली खाली सा है, अगर आप चाहें तो उस पर भी फ्लावर बना के टाक सकते हैं। और वो जो ऊपर थ्रेड रखे हुए हैं वो मैंने यूज़ किए हैं इसके लिए। ये देखिए बनाने के बाद पूरा चादर बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरह से जो खाली जगह है उसमें भी आप फ्लावर बना करके लगा सकते हैं।
ये एक एक फ्लावर जो है इस तरह से। जो ये खाली जगह है इसमें आप चाहे तो कढ़ाई कर सकते हैं, चाहे तो आप आरिश के ही फ्लावर्स और बना करके भी लगा सकते हैं। समय कम होने की वजह से मैंने बस इतना ही सिंपल तरीके से बनाया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इसके बारे में कोई क्वेरी चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में जा करके आप जो भी जैसे भी कमेंट्स चाहें वैसे दे सकते हैं और पूछ सकते हैं। इस तरह का चादर बनाइए, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये एक व्यू है पूरा जो हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरा बनने के बाद कैसा लग रहा है चादर। ये थ्रेड्स हैं जो मर्सराइज कॉटन के थ्रेड्स हैं, इनका पूरा गोला आता है जो प्रधान एम्ब्रॉयडरी वगैरह में मिल जाता है आसानी से। ये हमने वहीं से मंगाए थे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।